हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद एकता। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। सो गाइस, अभी बज रहे हैं रात के तीन बोल सकते हो, अपने सुबह का तीन बोल सकते हो, जो कि शरद की का टाइम होता है। और आज है तीज, तो मैं सब्जी खाने के लिए उठी हूँ और मम्मी नहीं है, मैं अकेली हूँ, मैं अकेले ही व्रत कर रही हूँ। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा यार, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि मम्मी गई हैं अपने मायके और मैं यहाँ पे अकेले कर रही हूँ। और रहती मम्मी तो शायद कुछ बनाती सर्दी में, क्योंकि सास ही कुछ बनाती हैं। हमारे यहाँ ऐसा होता था कि दादी बनाती थी और यहाँ पर मम्मी बनाती हैं, पर मम्मी नहीं थी। तो प्रोफेसर ने मेरे लिए बहुत कुछ मंगाया है, मतलब वो कुछ बना नहीं सकते थे क्योंकि उनको ज़्यादा कुछ आता ही नहीं है, चाय बना ले वही बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए मंगा के रखी थी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है प्रॉपर चाट और ये है गोलगप्पे का छोला है और ये है उसका पानी और ये है दही जो कि चाट के अंदर भी मिक्स करनी है। ये सारी चटनियाँ हैं और ये भी पानीपुर का दूसरा वाला पानी है और इसमें है रसगुल्ले। सो ये सारी चीज़ें उन्होंने मंगाई हैं, मैं एक बार आपको सामने से दिखाती हूँ। सो गाइज, ये सारी चीज़ें हैं और मैं गोलगप्पे लाना भूल गई हूँ, अभी मैं उसको वापस लेके आऊँगी और खाऊँगी। और पता है, उनको पता था कि मैं कुछ बनाऊँगी नहीं, मैं इतनी आलसी हूँ ना, मैं खुद के लिए कुछ नहीं बनाऊँगी, तो मैं कुछ भी खा के सो जाती या पी के सो जाती, तो पानी सादा पानी पी के सो जाती। और मेरा दिमाग में यही था कि मैं ना कुछ मीठा वीठा थोड़ा सा डाल के पानी पी के सो जाऊँगी। चीज़ें मुझे मंगा के दी और मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। सच में मतलब अच्छा लगता है यार, पति लोग इतना सोचें, क्योंकि ये फास्ट देखा जाए तो उन्हीं के लिए है ना, तो अगर वो भी हमारे बारे में सोचते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कल के फास्ट में वो मोस्टली ना मेरा साथ देने वाले हैं, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने कल के दिन छुट्टी भी ली है। ये मेरे गोलगप्पे और मैं इन्हें ही सबसे पहले खाऊंगी। मतलब आप लोग भी सोच रहे होंगे ना, इसकी सर्गी सबसे अलग है, और आप लोग बताइए किसके किसके मुँह में पानी आने वाला है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सुबह के 3:30 बजे ये इतना ठूस रही है, ये बड़ी अच्छी बात कही है। सो गाइस, तो मेरी सर्दी ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, मेरा पेट फुल हो चुका है। तो फिलहाल तो अभी के लिए बस इतना ही, टाटा बाय बाय। फिर मैं सुबह नहाने जब उठूंगी नहा लूंगी, फिर मैं आपसे मिलूंगी। Hey guys, तभी हो गया है मॉर्निंग का टाइम, क्योंकि सबका फास्ट शुरू हो चुका होगा, तो मेरा भी फास्ट शुरू हो गया है। तो मैंने देखिए फ्लावर्स मंगवाए हैं यहाँ पे, ये मैंने मंगाया है जो कि शिव जी को बहुत प्यारा लगता है। ये सारे फ्लावर्स इनका गजरा मैं यहाँ पे बनाया, ये देखिए मैं यहाँ पे गजरा बना रही हूँ। और मैंने यहाँ पे गेंदे का फूल भी मंगाया है और यहाँ पे पूजा में जो भी चीज़ें लगती हैं, कमल का फूल, बेल और पान और धतूरा, ये सब हम वहाँ मंगा लिया है। तो इसमें रोजेज है देखिए, तो अभी मैं इन सारी चीज़ों की ना लरिया बनाऊंगी और हाथों से बनाऊंगी, अपने हाथों से, क्योंकि मुझे ना वो जो लरी आती है वो मंगाने के बाद तोड़ तोड़ के ना उसमें फ्लावर बहुत खराब होते हैं। मैंने सोचा कि मैं मुझे जिस साइज में जो चाहिए वो सारी चीज़ें मैं बनाऊंगी, तो मैं खुद अपने हाथों से बनाऊंगी। तो चलिए अभी मैं फटाफट इन सब चीज़ों को बना लेती हूँ। सो गाइस, मैं यहाँ पर बना तो रही हूँ शिव जी का हार, लेकिन फ्लावर बहुत ज़्यादा है, तो मैंने सोचा है ना कि पहले तो मैंने सोचा था कि मैं आर्टिफिशियल गजरा लगाऊंगी, पर अभी फ्लावर बहुत ज़्यादा है ना, मैंने सोचा मैं गजरा भी खुद के लिए बनाऊंगी अपने हाथों से, रियल फ्लावर। आप लोग भी बना के लगा सकते हैं, क्योंकि मैं जैसे गजरा लगाऊंगी ना, मैं आप लोगों को शेयर करूंगी आप लोगों को कि कितना खूबसूरत लगता है रियल फ्लावर का। सीन है भाई, भैया बोल रहे रेडी होने को, हो रही हो? सो गाइस, मनु दीदी आ चुकी है और आते ही काम पे लग गई है, तो प्रॉपर शूट कर रही है, डेकोरेशन में काफी हेल्प कर रही है, पर मैंने काफी हद तक कर दिया दीदी काम। हां, डेकोर कर दी हूं सारा कुछ कर, क्योंकि मैं अभी आई हूं ना, प्यास इस बार लग रही है, मुंह एकदम सूखा जा रहा है।
टफ भी होता है ना, इसलिए नहीं होती कि टफ है। नहीं उधर होता ही नहीं है, उधर की औरतें बहुत कमजोर नहीं है। अब रहा जाता तो मैं अभी रहती, पूछा था लेकिन वो बोला कि नहीं। क्या लेकिन करना चाहिए पता है, बहुत प्यारा व्रत है। मैं ये मत सोचना कि मैं प्यार पानी के लिए मरी जा रही हूँ, प्यारा बोल रही हूँ, बट मतलब अच्छा लगता है। काफी तैयारी होती, देखो तो कैसे दो चार दस मन था मेरा रहने का, लेकिन वही है कि इस बार तो आसानी से हो जाता, नेक्स्ट ईयर पता नहीं कैसे क्या पड़ता। जैसे मेरा पड़ रहा वैसे ही होता। वो तो है ही, लेकिन फिर कहा जाने दो। ऐसे इस तीज पे मायके भी जाना, मैं कहती इसी साल से शुरू, क्योंकि ये व्रत जो होता है वो कुंवारे में ही उठाते हैं, लड़कियां जब कुंवारी होती है। इधर आ तो गई थी, वही शाम को आ जाती कल ना, लेकिन वही है कि रहा ही नहीं जाता। रहा क्या, अपने आप से क्या नया शुरू करो। मम्मा कैसी लग रही है बताओ बिट्टू, कैसी लग रही है मम्मा? सुंदर लग रहे हैं। कैसी सुंदर लग रहा है, सुंदर लग रहा है। तुम भी वहाँ खड़ी हो जाओ जाके देखें तुम कैसी लग रही हो। देखो तुम, देखो बिट्टू को, देखो बिट्टू, देखो रो रही थी क्या बिट्टू? देखो देखो बिट्टू का मुंह देखो, देखे बिट्टू फेस देखे। ए बिट्टू इधर देखे, चूड़ी दिखा, चुंडी चुंडी लग रही है, मुंडी लग रही है। So guys, this is my final look. हम लोग बताइए कि कैसा लग रहा है मेरा look, और मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है। So मैं रेडी हो चुकी हूँ। अभी भी बंगाल में तो अभी भी आ ना, कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। यहाँ पे डॉटेड रख लो ब्लैक वाले। हाँ सारी मेकअप लुक ना एक ही में दूंगी। मेहंदी, हाँ हाँ मेहंदी।
परमेश्वर का भेजा हुआ आया हूँ। तुम मेरी बात सुनो। आप अपने तट पर एक गुफा में पहुंचे। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर रहे जहाँ तुम आशीर्वाद दो। आशीर्वाद हमें नहीं दे रही है, मसीह आ रही है। सदा सुहागन रहो, दूधो ना पूतो फलो, पुत्र आगे क्या होता है? पुत्र की प्राप्ति हो, एक नहीं तो दो दो हो जाए जुड़वा जुड़वा पुत्र की प्राप्ति हो आपको, जुड़वा पुत्र हो, ट्विंस हो जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, इंग्लिश में ट्विंस। माधुरी राम ये लो। अरे यार तेज वाला आशीर्वाद दो भाई। यशस्वी भव। फुलवारी एकदम फूलों से भरी रहे। अपना तैयार हो गए मैं ऐसे। आप जिम करके आए हो ना? हैंडमेड इनका जूड़ा बिगड़ रहा है धीरे धीरे इनके। हाँ वही तो।